गुड मॉर्निंग एवरीवन, यस नाउ अगेन आई एम हियर। और आज बहुत दिनों के बाद फिर से हम अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में एक साथ हैं। तो आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप सब ने अपना सबसे प्यारा वाला त्यौहार चूँकि मना ही लिया है, अब सभी लोग बहुत रिफ्रेश हो चुके हैं। तो फिर से हम अपनी जो स्टडी है उसको स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने अपना चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, हमने अपने इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको चैप्टर समझाया भी था, है ना। और वो क्या था? पर्यावरण की पुकार, याद आया? और हमारे पर्यावरण की क्या पुकार थी, कोई बता सकते हैं हमें? हमारे पर्यावरण की एक ही पुकार है कि उसको स्वच्छ रखा जाए, उसको शुद्ध रखा जाए। और अभी अभी हमने अपने पर्यावरण को थोड़ा सा प्रदूषित कर दिया है ना। लेकिन फिर भी हमने इस पाठ में ये सीखा था कि हम अपने पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, कैसे उसको स्वच्छ बनाए रखने में अपनी मदद कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनसे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, और उसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय जो हम लोग धीरे धीरे अपना कर उसमें मदद कर सकते हैं। हमने इस पार्ट में ये देखा था कि पूरा चैप्टर एक एकांकी के रूप में दिया गया था। इस एकांकी में अलग अलग जो पात्र हैं वो फरियादी बनकर आए थे, और उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी फरियाद जो है वो रखी थी। और उसमें उन्होंने ये बताया था कि आखिर धरती पर जो मनुष्य है कैसे वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है और उनको परेशान कर रहा है, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने जो चैप्टर हमने पढ़ा है पार्ट को, उसमें हमने जो कुछ भी सीखा है उसके आधार पर हम अपने पार्ट की जो अभ्यास प्रश्न है उनको लिखेंगे और पुस्तक में पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, हाथ में पेंसिल ले लीजिए और पेज नंबर 58 बेटा, कौन सा लेंगे? पेज नंबर 58 और 59 का वर्क हम लोग आज करने वाले हैं। और उसमें हम लोग क्या करेंगे आप बता सकते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीधी सी बात है, जो हमारे पुस्तक से संबंधित अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उन्हें करेंगे। और उसमें भी सबसे पहले हम हमेशा सही विकल्प करते हैं, है ना। तो इसमें भी हम यही करने वाले हैं। देखिए बेटा, एक्सरसाइज नंबर 2, क्योंकि प्रथम वाला अभ्यास प्रश्न हमेशा हमारा कौन सा होता है, श्रुतलेख का। तो सही विकल्प पर हमें निशान लगाना है, उसके लिए हम वाक्य को पढ़ेंगे, उसमें दिए गए सही विकल्प को लिखेंगे, ठीक है। सही विकल्प क वाला वाक्य देखिए हम पढ़ रहे हैं, फरियादी किसके दरबार में पहुंचे, है ना। वाक्य है कि फरियादी किसके दरबार में पहुंचे, अ चंद्रगुप्त के, ब अकबर के, या स धर्मराज के। तो पाठ के अनुसार हमारा सही विकल्प कौन सा है, स वाला, है ना, धर्म राज। फिर ख वाला वाक्य हमें दिया गया है, देखिए बेटा आप लोग के पास पुस्तक है, शेर किसका प्रतिनिधि था, प्रतिनिधि मतलब किनके प्रतिनिधि के रूप में वो वहां पर आया था। प्रतिनिधि यानी कि बहुत सारे लोगों का नेता बनकर, नेता यानी कि सबकी बात को एक व्यक्ति जब रखने आता है तो वो प्रतिनिधि कहलाता है, ठीक है। जैसे हमारे जो नेता होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। वो क्या करते हैं, जनता की क्या परेशानियां हैं, क्या डिमांड है, वो सब सुनते हैं, और फिर वो एक व्यक्ति जो है वो सरकार के पास जाते हैं और उनके समक्ष क्या करते हैं, हमारी उन बातों को रखते हैं। तो वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे पूरे जितने भी धरती पर पशु पक्षी प्राणी, पानी में रहने वाले जानवर, हवा में उड़ने वाले जानवर, धरती पर चलने वाले जानवर, दो पैर के जानवर, चार पैर के जानवर, जितने भी थे, उन सभी का प्रतिनिधि वो बनकर गया था, है ना। क्योंकि आपने हमेशा से सुना होगा कि शेर जंगल का राजा होता है। अब जंगल बोला मतलब जंगल में सभी आ जाते हैं बेटा, जंगल के तालाब में रहने वाले जलचर भी,
जंगल में आसमान में उड़ने वाले नभचर भी और जंगल की धरती पर चलने वाले उभयचर भी। तो पहला ऑप्शन है मनुष्य का, दूसरा जंगली प्राणियों का, या स दोनों का। तो बहुत आसान से बात है, मनुष्य का प्रतिनिधि तो बनकर वो गए नहीं थे क्योंकि मनुष्य तो उसे परेशान कर रहा था, दोनों का नहीं हो सकता, इसलिए ब वाला जो हमारा विकल्प है जंगली प्राणियों का वो हम लिख देते हैं। जंगली प्राणियों का, क्योंकि हमें विकल्प में यही दिया गया है, लेकिन वैसे तो वह सभी का प्रतिनिधि बनकर गया था, है ना। ग, महाराज ने मृत्यु लोक से किसे बुलाने का आदेश दिया, मानव को, बाज को या हाथी को। बाज को भी नहीं बुलाया क्योंकि बाज तो खुद पीड़ित है, हाथी को भी नहीं बुलाया क्योंकि हाथी को भी परेशान होना पड़ रहा था। तो महाराज ने बुलवाया किसे था स्पेशल, बाकी सब तो फरियादी बनकर आए थे, मगर बुलवाया किसको था, मानव को, है ना। घ वाला देखिए बेटा, घ वाला वाक्य है दूषित वायु को ग्रहण करता है, यानी कि जो भी हमारे वातावरण में दूषित वायु होती है उसको कौन लेता है, हम लोग भी थोड़ी गलती से ले लेते लेकिन जानबूझ के नहीं लेते, लेकिन ऐसा कौन है जो जानबूझकर सबकी रक्षा के लिए सबकी भलाई के लिए खुद दूषित वायु लेता है। पहला वृक्ष, दूसरा शेर या तीसरा धरती। शेर नहीं लेता, शेर भी हमारी तरह प्राणी है, लेकिन धरती, धरती भी नहीं ले सकती क्योंकि धरती तो क्या है, निर्जीव है। लेकिन और अगर वो ले भी ले, क्योंकि वायु तो उसके ऊपर ही है ना, तो वो कैसे लेगी दूषित वायु, वो दूषित कचरा जो होता है या गंदगी होती है उसको जरूर अपने अंदर ग्रहण करती है। तो हमारा सही विकल्प क्या है, अ वृक्ष, अ वृक्ष, ठीक है। फिर अंग वाला है देखिए, ओजोन की परत में छेद होने का कारण क्या है, हमारे ऊपर जो ओजोन लेयर बनी हुई है उसमें छेद हो गया, उसका मेन रीजन क्या है। दूषित जल हो ही नहीं सकता, जल तो नीचे बहता है तो वो ऊपर कैसे जाएगा। पेड़ पौधे वो तो हो ही नहीं सकते, वो तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, मतलब वो तो ओजोन लेयर को हेल्प करते हैं, बचाते हैं। लेकिन ब वाला हमारा है विषैली गैसे, वो क्या करती है विषैली गैसे, उस परत को पतला कर देती है, उसमें छेद कर देती है, विषैली गैस, है ना। फिर हमारा प्रश्न नंबर 3 मौखिक प्रश्न है, फरियादी कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे, मृत्यु लोक से आए थे। ख, पेड़ जगत का प्रतिनिधि बनकर कौन आया था, पेड़ जगत का प्रतिनिधि बनकर पेड़ आया था। ओजोन परत मानव की रक्षा कैसे करती है, हमने आपको बताया था कि हमारे वातावरण में जो ओजोन लेयर है बेटा वो क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती है ना, हार्मफुल रेज जो होती है, यूवी रेज, उनको धरती पर आने से रोकती हैं। तो ओजोन लेयर क्या करती है, मानव की रक्षा उन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को वहीं पर रोककर करती है। अच्छा, किसकी खातिर मानव जो है वो पशु पक्षियों को समाप्त कर रहा है, मतलब मनुष्य पर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से वो जीव जंतुओं को नष्ट कर रहा है। सिर्फ एक चीज, उसका लालच, है ना, उसका स्वार्थ। अच्छा, वे कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, आपको क्या लगता होगा, ऐसी कौन कौन सी आवश्यकताएं हमारे आसपास हैं, हमारे पर्यावरण में, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। पहला हवा, दूसरा पानी, तीसरा भोजन। हवा वायुमंडल से मिलती है, पानी जल जो है वो नदियों से मिलता है, और तीसरा होता है भोजन जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है। और हम इन तीनों चीज़ों को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, विषैली गैसों से हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, कचरा कूड़ा डालकर पानी को गंदा कर रहे हैं, और पेड़ पौधों को काट कर हम अपनी ज़मीन को या जंगलों को खत्म कर रहे हैं बेटा, जिससे कि हमें भोजन की परेशानी हो सकती है। जबकि ये तीनों चीज़ें हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा नीड है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक, अगला हमारा अभ्यास प्रश्न है सही या गलत का चिन्ह।
ठीक, तो हम वाक्य पढ़ते हैं और आप वहां से हमें बताते जाइए कि पहले वाक्य में क्या आएगा या दूसरा वाक्य गलत है या सही है। पहला वाक्य बेटा, फरियादियों की बात धरती पर किसी ने नहीं सुनी। हाँ, अगर सुन ली होती तो उन्हें ऊपर नहीं आना पड़ता, है ना धर्मराज के पास में। सेकंड सेंटेंस, मनुष्यों ने जल को रोगयुक्त नहीं किया है। इतना अच्छा इंसान कब था? बहुत सालों पहले, लेकिन अभी तो उसने रोगयुक्त कर दिया है, इसलिए यह वाक्य कैसा हो गया है? गलत हो गया है, क्योंकि मनुष्य ने जल को रोगयुक्त कर दिया है ना। तीसरा वाक्य, वृक्ष दूषित वायु को लेकर प्राण वायु देते हैं। बहुत सही वाली कथन है ये, तो सही का निशान लगा दीजिए। फिर अगला कथन, ओजोन परत पतली हो गई है। जी हाँ, हमारी गलत आदतों की वजह से वह ओजोन लेयर पतली हो गई है। धरती माता को मनुष्य से कोई शिकायत नहीं है। कितनी ज्यादा शिकायत थी, क्योंकि बाकियों से तो कोई संबंध नहीं, लेकिन धरती माता से मनुष्य का माता और पुत्र का संबंध है, इसलिए धरती माता को सबसे ज्यादा शिकायत थी। तो उसके हिसाब से यह वाक्य कैसा हो गया? गलत हो गया है। तो आप लोग सही जो हमने चिन्ह लगाए वो लगा लीजिए। फिर इसके बाद में है बेटा भाषा की समझ, है ना। भाषा की समझ यानी कि पाठ में जो व्याकरण गत अभ्यास प्रश्न है वे, इसमें हमारा क वाला देखिए, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 1। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके सामने हमें ये लिखना है कि वे जो क्रिया शब्द हैं वे सकर्मक हैं या अकर्मक है। बेटा उसके पहले हम पढ़ लेते हैं, जिन क्रियाओं के होने या करने का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। हमने इसके पहले अपने व्याकरण में पढ़ा था सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। और जिन क्रियाओं के होने का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता वे अकर्मक क्रियाएं होती हैं। कर्म मतलब के काम, ऐसी क्रिया जिसका असर काम पर, जिसके आगे लिखा गया है पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ क्या हो गई? सकर्मक हो गई। पढ़ता हूँ अकर्मक हो गई। तो ऐसे कुछ क्रियाएं हैं बेटा जो सदैव सकर्मक होती हैं और कुछ क्रियाएं सदैव अकर्मक ही होती हैं। तो हमें यहाँ कुछ क्रियाएं दी गई हैं और हमें ये पता करना है कि वे सकर्मक है या अकर्मक है। बेटा हम अपनी पुस्तक ले लेते हैं। डूबना हमेशा अकर्मक होता है, वह डूब रहा है ना, क्योंकि मनुष्य चाहे कहीं पर भी हो, झील हो, तालाब हो, समंदर हो, लेकिन डूब रहा है मतलब वो हमेशा कैसी होती है? क्रिया अकर्मक होती है, क्योंकि डूबना मतलब डूबना होता है ना। फिर लाना अकर्मक, फिर है आपका देना, वो सकर्मक होती है। मुझे पुस्तक देना, मुझे चौक देना, मतलब जब भी देने की क्रिया होती है उसके आगे ये जरूर बताया जाता है कि क्या देना, मतलब काम होता है। लूटना, हाय भाई लूट गया, अकर्मक। लूटने के पीछे कोई काम होता ही नहीं है, उसने मुझे लूट लिया, है ना। हम अक्सर ये कहते हैं लूटने का कोई रीजन होता है क्या? नहीं होता है। मारना सकर्मक, डंडे से मारना, हाथ से मारना। सुनना हमेशा अकर्मक होता है, क्योंकि उसमें हमेशा अरे जरा सुनो, हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। हम कभी ये थोड़ी बोलते हैं कि पुस्तक से सुनो, जोर से सुनो, नहीं। फिर छह पर है बचाना, बचाना हमेशा सकर्मक होता है,
मुझे गाय से बचाओ, मुझे कुत्ते से बचाओ, मुझे बकरी से बचाओ, मुझे मरने से बचाओ। अक्सर हम उसके आगे काम अवश्य कहते हैं बेटा, ठीक है। और डालना है ना, कचरे को डालना, तो वो हमेशा क्या होता है, अवकर्म। इसमें ये डालो वो डालो, ठीक है। इसके बाद में हमारी बर्तनी शुद्ध करना है हमें बेटा। बर्तनी शुद्ध के लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हम उसकी बर्तनी शुद्ध करेंगे। तो हम यहाँ पर सीधे शब्द लिख रहे हैं। पहला है द्वारपाल, उसको सही रूप से क्या लिखते हैं, द्वारपाल। द्वारपाल नहीं होता है कभी, द्वारपाल होता है, ठीक है। फिर ख नंबर पे दिया है हमें मृत्युलोक। मृत्युलोक नहीं होता है, वो होता है मृत्युलोक। क्या होता है बेटा, मृत्युलोक। फिर पर्यावरण दिया है, पर्यावरण भी होता है, वो होता है पर्यावरण। फिर हमें दिया है घ नंबर पर प्राण वायु, दिया तो सही है लेकिन उसकी एक छोटी सी बर्तनी कैसी हो गई है, गलत है। बड़ा ओ की जगह कौन सा आएगी, छोटे ओ की मात्रा। फिर है प्रतिनिधि, उच्चारण में तो शब्द हमें सही महसूस हो रहा है लेकिन लेखन में उसमें क्या हो गया है, वर्तनी गलत हो गई है, प्रतिनिधि, ठीक है। फिर अंतिम है परलय, कभी भी उसका उच्चारण परलय नहीं होता है, प्र यानी प और र मिला होता है, तो हम क्या करेंगे, प और र को मिलाकर लिखेंगे। इसके बाद में है बेटा हमारा एक्सरसाइज नंबर 3। जरा ध्यान से समझ लीजिए, हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्य में कुछ शब्द हैं जो सुनने में एक समान और लिखने में भी प्रयोग एक समान किए गए, लेकिन वे किस स्थान पर किसके साथ में लिखे गए उसके अनुसार वे हिंदी व्याकरण में अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे देखिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। हमने पढ़ा था विशेषण का एक जो भेद होता है वो संकेतवाचक होता है, और हमने आपसे पूछा भी था कि सुनने में और लिखने में यह और यह दोनों एक समान है, लेकिन अगर संज्ञा के स्थान पर आ रहा है तो वह सर्वनाम है, लेकिन अगर संज्ञा के साथ आ रहा है और उसकी विशेषता बता रहा है तो वहां पर वह संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। तो हमें यहाँ पर वाक्य दिए हैं और हमें ये देखना है कि वह किस स्थान पर है, उसके अनुसार तय करेंगे कि वह संकेतवाचक विशेषण है या वह सर्वनाम है। पहला वाक्य देखिए बेटा, हमें दिया गया है पहला वाक्य, यह पेड़ मुरझा गया है। पेड़ क्या है, संज्ञा है, तो उसके आगे यह लगाए तो वो क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण। इस तरह से पूरा लिख लीजिए उसके आगे। फिर ख नंबर, यह मेरा दोष बता रहा है। मेरा सर्वनाम है और उसके साथ में सर्वनाम आया है, यह मेरा दोष। यह मतलब उस व्यक्ति की जगह और मेरा मतलब अपनी जगह, तो यहाँ पर यह सर्वनाम हो जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि दो लोगों के अलग अलग नाम आ रहे हैं। यह मतलब मेरा नाम और मेरा की जगह उसका नाम, ठीक है। वह पानी को मैला कर रहा है, पानी यानी कि संज्ञा है, तो यहाँ पर यह उसके आगे आया है तो यह संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर घ वाला वाक्य देखिए बेटा, वही आदमी, आदमी और कैसा, वही आदमी, तो यह भी कैसा हो जाएगा बेटा, संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। आदमी जातिवाचक संज्ञा है ना। अंग वाला, इस फरियादी की बात सुनो। इस मतलब सामने फरियादी, फरियादी एक संज्ञा है बेटा,
तो उसके लिए हमने लिखा है, इसलिए भी यह संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर हम नाम बदलना भी चाहे संज्ञा के स्थान पर तो हम फरियादी का नाम बदल सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ हम संकेत कर रहे हैं इसलिए संकेतवाचक है। इसने मुझे नुकसान, इसने मतलब सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, मुझे मतलब मैं भी एक व्यक्ति हूँ, हम दोनों का नाम है, यानी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आ रहा है, तो हमारा यह वाक्य कैसा हो जाएगा? सर्वनाम वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमारा यह अभ्यास प्रश्न पूर्ण होता है। इसके पश्चात आपको जो अगला अभ्यास प्रश्न दिया है, कुछ शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में भिन्नता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग यानी मान लीजिए आपको कोई शब्द दिया गया है और उसके आगे अगर हम एक छोटा सा शब्द का अंश जोड़ दें और एक नया शब्द बन जाए तो वो कहलाता है उपसर्ग। तो अब देखिए, उन्होंने हमें छोटे छोटे उपसर्ग दिए हैं, उनको हमको प्रयोग करना है ऐसे शब्दों में जिसमें जुड़कर वो एक नया शब्द बनाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभ्यास प्रश्न 4 डालेंगे। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है, पहला उपसर्ग हमें दिया गया है प्र। ठीक है, ये रहा प्र, इसको हमें प्रयोग करना है। जैसे आपके पाठ में ये एक शब्द है दूषण, और यदि मैं इसके आगे इस प्र को लगा दूं तो क्या बन जाएगा? प्रदूषण, है ना। फिर ख वाला देखिए, आपको दिया गया है उपसर्ग बेटा प्रति, प्रति मतलब कि प्रत्येक, प्रतिनिधि, ये मैंने लिखा निधि, और इसके आगे यदि मैंने लगा दिया प्रतिनिधि, प्रति का एक अकेले का मतलब होता है प्रत्येक, लेकिन अगर मैंने प्रति को निधि में लगा दिया मतलब प्रत्येक व्यक्ति। ग वाला देखिए बेटा, आपका उपसर्ग है वी। ठीक है, ये लिखा मैंने नाश, और यदि मैं इसके साथ इस छोटे से शब्दांश को जोड़ दूं तो एक नया शब्द बन जाता है विनाश, और दोनों का मतलब क्या होता है? खत्म होना या डिस्ट्रॉय करना। फिर अगला घ वाला हमें दिया गया है एक छोटा सा सु। सु मतलब अच्छा, है ना। अब यदि मैं किसी शब्द को या किसी भी व्यक्ति को अच्छा बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या कर दूंगी? उसके आगे सु लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। रक्षा मतलब सबकी रक्षा करना, लेकिन सु रक्षा मतलब उसकी अच्छे से रक्षा करना। ठीक है, तो ये हुए हमारे उपसर्ग से बने हुए नए शब्द। इसके पश्चात हमें दिया गया है बेटा विशेषण बनाना है, शब्द दिया है और उनको विशेषण में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना पिछला कार्य हटा देते हैं। और उसके स्थान पर अब हम क्या करेंगे, अपना नया कार्य करते हैं। जैसे कि पहला शब्द हमें दिया गया है क नंबर पर मैल। ठीक है, मैल से हम विशेषण क्या बनाएंगे? मैला, यह मैला कुर्ता है मतलब गंदा, और मैल का मतलब होता है वो गंदगी, है ना। दूसरा दिया है गंदा, इससे बन जाता है गंदगी। लालच एक भाव होता है और जिसके अंदर वो होता है वो कहलाता है लालची, यह लालची व्यक्ति है। तो लालची क्या हो गया? उस व्यक्ति की विशेषता हो गई है। ठीक है, फिर चिंता, चिंता एक भाव होता है बेटा, भाव मतलब जो हमारे मन में होता है, लेकिन अगर वह किसी की आदत या विशेषता बन जाए तो हम क्या कहते हैं, वह चिंतित व्यक्ति है, मतलब वह व्यक्ति चिंता में डूबा हुआ है, उस व्यक्ति की विशेषता क्या हो गई? चिंतित होना। अगला शब्द पीड़ा,
पीड़ा से आप चाहे तो दो तरह के विशेषण बनते हैं, आप पीड़ित भी लिख सकते हैं, वह व्यक्ति पीड़ित है और पीड़ादायी भी होता है। जैसे हम कहते हैं ना, यह कार्य बहुत पीड़ादायी है, उस काम की विशेषता क्या हो गई कि वह पीड़ादायक है। फिर सुख, सुख से विशेषण बन जाता है सुखी। क्या बन जाता है बेटा? सुखी। प्रश्न नंबर 6, वाक्य बनाना है। आपको कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है और कुछ छोटे छोटे लेकिन अच्छे से वाक्य बनाना है। जैसे जनसंख्या, मेरे देश की जनसंख्या इतनी है, और वो 3 करोड़ 4 करोड़ जितनी भी है, 1 अरब 2 अरब है ना। न्यूज़पेपर खोलिए, गूगल खोलिए और सर्च कीजिए कि हमारे भारत देश की जनसंख्या कितनी है और उसको एक लाइन में लिख दीजिए। दूसरा, जीवन, मुझे मेरा जीवन बहुत प्रिय है ना। हमें दूसरों के जीवन का महत्व समझना चाहिए या हमें पशु पक्षियों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। आपके वाक्य में दिया हुआ शब्द कहीं पर भी आना चाहिए। सुरक्षा, माता पिता बच्चों की सुरक्षा करते हैं, हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। घ नंबर पे दिया है विनाश, धरती का विनाश होने से रोको या धरती का विनाश हो जाएगा अगर हम लोगों ने अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से नहीं बचाया, है ना। और लास्ट में, सबसे अंत में एक छोटा सा वर्ड दिया संतुलन। संतुलन का मतलब होता है बैलेंस। हमें जीवन में अपने कार्य और अनुभव का संतुलन बनाना चाहिए। धरती पे मनुष्य और प्राणियों का संतुलन बना होना चाहिए या धरती पे या प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में संतुलन होता है। आप कहीं पर भी उसको यूज कर सकते हैं। तोल तराजू में दो चीजों को यदि हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं संतुलन। अंतिम में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, हमें शब्द के सामने ये लिखना है बेटा। क, शब्दों को पढ़कर हमें फील करना पड़ेगा कि वो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग। जैसे क वाला है दरबार बेटा, तो दरबार लगा होता है, कभी भी दरबार लगी नहीं होता, इसलिए वह शब्द कैसा हो गया? पुलिंग। पीड़ा हमेशा होती है, तो पीड़ा कैसा हो गया? स्त्रीलिंग। कुछ भी आपको लगता है तो पीड़ा होता नहीं है, पीड़ा होती है। फिर ग वाला शब्द देख, धरती। धरती तो सदैव से कैसी है? स्त्रीलिंग है। घ वाला शब्द गंदा, गंदा शब्द जो है वो पुलिंग है। तुमने यहाँ सब गंदा कर दिया, तुमने पुस्तक को गंदा कर दिया, तुमने धरती को गंदा कर दिया। यानी हम उस शब्द को जिसके भी साथ लगाते हैं, अंत में क्रिया हमारी पुलिंग वाली होती है, तो हमारा शब्द भी कैसा हो गया? पुलिंग वाला हो गया है। अंग वाला शब्द देखिए बेटा, प्रदूषण। प्रदूषण फैलता है, कभी भी प्रदूषण फैलती नहीं है, इसलिए यह शब्द हमारा कैसा है? पुलिंग है बेटा। जब हमने लिंग वाला शब्द पढ़ा था, तब हमने आपको बताया था कि कई शब्द ऐसे हैं जिनको जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो पुलिंग है या स्त्रीलिंग है। अंतिम, कारखाना। कारखाना चलता है या चलती है? कारखाना बंद है या बंद होती है? वह हमेशा पुलिंग होता है, क्योंकि उसकी क्रिया सदैव पुलिंग में प्रयोग की जाती है। तो हमारा शब्द भी कैसा हो गया? पुलिंग हो गया। तो सभी लोग जल्दी से एक बार अपने अभ्यास प्रश्न मिला लीजिए। आज हम लोगों ने अपनी पुस्तक का अभ्यास प्रश्न समाप्त किया है। इसके बाद जब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे बेटा, तब आप सभी लोग अपनी नोटबुक भी साथ में लेकर बैठेंगे, जिससे कि हम अपने नोटबुक में जो राइटिंग का वर्क है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और हमने आपको एक्सरसाइज नंबर 6, अभ्यास प्रश्न 6 जो है वो होमवर्क में दिया है ना। तो आप लोग पुस्तक में ही कीजिए और फिर हमें सेंड कीजिए। Thank you.
जिससे हमें ये पता चले कि आपको शब्दों के अर्थ समझ में आ गए हैं, शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना आ गया है। ये कुछ शब्द ऐसे थे बेटा जो हमारे लिए बहुत नए थे, थोड़े से पढ़ने में कठिन भी थे, लेकिन अगर हम इनका प्रयोग करते रहेंगे निरंतर तो ये हमारे लिए कैसे हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। तो आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे इन योर होम, सेफ इन योर होम। ओके, बाय बाय।